नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को आंवला नवमी की व्रत कथा, जो कि बहुत ही पुरानी और प्राचीन कथा है। तो आइए जानते हैं इस कथा का रहस्य और क्यों आंवला नवमी की पूजा की जाती है, आंवला व्रत की पूजा की जाती है, और यह व्रत क्यों रखा जाता है, इसके नीचे भोजन क्यों किया जाता है। ये सारी जानकारियाँ मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगरी में एक धार्मिक प्रवृत्ति के वणिक दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे दोनों उदास रहते थे। वणिक की उदास पत्नी को देखकर उसकी एक सखी ने कहा, यदि तुम किसी बच्ची की बलि भैरव के नाम पर चढ़ा दोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी ने यह बात जब अपने पति को बताई तो उसके बलि चढ़ाने से मना कर दिया, और वणिक ने अपनी पत्नी की बात को भूली नहीं और वणिक की पत्नी अपने पति की बात को भूली नहीं मौका देखकर वह उस दिन एक बच्ची को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर आ गई, बलि देकर आ गई। इस हत्या का परिणाम उल्टा हुआ, लाभ के स्थान पर उसको नुकसान हुआ। वणिक की पत्नी के शरीर में कोड़े पड़ गए। कोड़े पड़ने के कारण उस बच्चे की प्रेत आत्मा उसके सताने लगी। पत्नी को जब इस दुर्दशा को देखकर वणिक ने इसका कारण पूछा तो पत्नी ने उसे सारी घटना की सच्चाई बताई कि उसने किस तरीके से उस बच्ची को कुएं में फेंका। तो सच्चाई जानकर वणिक बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित किया और कहा कि बाल वध करने वालों को के लिए संसार में कोई जगह नहीं होती है, अतः गंगा तट पर जाकर के तुम स्नान कर ईश्वर वंदना करने से ही तुम इस कष्ट से मुक्ति पा सकती हो। पति की आज्ञा अनुसार वणिक की पत्नी गंगा तट पर गई और वहीं रहने लगी। वणिक की पत्नी गंगा स्नान करने लगी और प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान की पूजा करने लगी। इस तरह जब थोड़े दिन बीत गए तो एक दिन गंगा मैया वृद्धा के रूप में आई और वणिक की पत्नी से बोली, हे दुखिया, तुम मथुरा नगरी जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रखो, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करो। 108 परिक्रमा करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इस व्रत को प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। घर आकर वणिक की पत्नी ने गंगा मैया द्वारा कही गई सारी बातें पति को बताई। पति ने पत्नी की भलाई के लिए मथुरा नगरी को प्रस्थान किया। जब कार्तिक नवमी आई तो पति ने व्रत रखा और पत्नी ने व्रत रखा और आंवले के वृक्ष की पूजा की, परिक्रमा दी 108, और इस व्रत के प्रताप से वह पुनः दिव्य शरीर को प्राप्त हो गई और उसे पूरा शरीर ठीक हो गया उसका। उसे पुत्र धन की भी प्राप्ति हो गई। अंततः वह स्वर्ग लोक में गई। अंत में स्वर्ग लोक उसे प्राप्त हुआ। इसी तरह यह घटना सच्ची है और यह पौराणिक कथा है। इस अनुसार आप लोग भी व्रत रख सकते हैं। इसका व्रत बहुत ही सरल विधि का होता है। आंवला नवमी के व्रत ना रखें तो भी आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा करने से ही अन्य पाप धुल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी लेती हूँ मैं आप लोग से इजाज़त। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।